हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 9 सबसे बुद्धिमान जानवरों के बारे में। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है चिंपांजी। चिंपांजी को विश्व में सबसे बुद्धिमान जानवर कहा जाता है क्योंकि ये जीव हूबहू इंसानों की नकल कर सकते हैं। कई वैज्ञानिक ये दावा भी करते हैं कि अगर चिंपांजी को ट्रेनिंग दी जाए तो वो इंसानों की तरह बोल सकता है। चिंपांजी बहुत ही जल्द किसी भी इशारे को समझ जाते हैं। शायद यही वजह है कि इसे सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक माना जाता है। नंबर 2 पर आता है डॉल्फिन। डॉल्फिन भी सूची में है। डॉल्फिन को अक्सर उनके शरीर के आकार के अनुपात के अपेक्षाकृत उच्च मस्तिष्क के कारण पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जानवरों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक अद्भुत बात डॉल्फिन के बारे में कहा जाता है कि वे अपने साथी के साथ संवाद की बातों को लगभग 20 वर्षों तक याद रख सकती है। नंबर 3 पर आता है रैकून। रैकून 1908 में हुए एक विचित्र अध्ययन में नैतिकतावादी एच बी डेविड को पता चला कि रैकून 10 से भी कम प्रयासों में जटिल से जटिल ताले खोल लेने में सक्षम थे, भले ही उस ताले को फिर से सेट किया गया था या उल्टा सीधा नंबर घुमाया गया था। इसके अलावा हुए विभिन्न अध्ययनों में पाया गया कि रैकून का दिमाग बहुत तेज होता है, जो 3 वर्षों तक समस्याओं के समाधान को याद करने में सक्षम है। वे उनकी समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने के लिए जाने जाते हैं, जो छोटे मानव बच्चों को भ्रमित करते हैं। इसी कारण रैकून भी बुद्धिमान जानवर माना जाता है। एक अद्भुत बात रैकून की सुनने की शक्ति इतनी व्यापक होती है कि वो धरती के अंदर चलते हुए कैचों को भी सुन सकते हैं। नंबर 4 पर आते हैं तोते। तोते को इंसान के बच्चे जितना ही स्मार्ट माना जाता है। लाइव साइंस के मुताबिक ये तोते 3 साल के बच्चे की तरह ही स्मार्ट होते हैं। तोते असंख्य मानव शब्द सीख सकते हैं और लोगों के साथ बात करने के लिए उनका उपयोग भी कर सकते हैं। इस अद्भुत और अनोखी काबिलियत की वजह से ही तोते बुद्धिमान जानवरों की सूची में आते हैं। एक अद्भुत बात और इसके ये पक्षी तार्किक तर्क के आधार पर पहेलियों को हल कर सकते हैं। नंबर 5 पर आता है हाथी। वो कहते हैं ना कि एक हाथी कभी नहीं भूलता, यह सिर्फ एक अंधविश्वास या एक स्टीरियोटाइप लाइन नहीं, यह सत्य है। हाथियों को उनकी उत्तम याददाश्त के लिए जाना जाता है। एक हाथी के मस्तिष्क में एक मानव मस्तिष्क के जैसे कई न्यूरॉन्स होते हैं जो उनकी याद रखने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। वे कई वर्षों तक अपने इलाके के अविश्वसनीय हिस्सों और रास्तों तथा पानी के स्रोत के विशिष्ट मार्गों को याद करने में सक्षम होते हैं और वे कभी भी अपने दोस्त को नहीं भूलते हैं। उसकी एक अद्भुत बात यह भी है कि हाथियों के बारे में ये भी माना जाता है कि इंसानों के बाद हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जो मृतकों पर शोक मनाते हैं। जब भी हाथी के परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो हाथी भी इंसानों की तरह विलाप करते हैं, आंसू बहाते हैं। नंबर 6 पर आता है कुत्ता। विश्व के कई देशों में सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला जानवर कुत्ता वास्तव में एक बुद्धिमान जानवर है। जानवर की श्रेणी में आता है। न केवल वे प्यारे होते हैं बल्कि वे होशियार भी होते हैं। उनके अंदर भी भावनाएं होती है और इंसानों के साथ रहने के बाद कुत्तों की भावनाओं में ज़बरदस्त बदलाव आते हैं। वे अपने मालिकों को पहचानते हैं और अपने मालिक के प्रति इतना वफादार होते हैं कि अगर उनके मालिक पर कोई मुसीबत आती है तो ये मालिकों पर कर्ज खुद मुसीबत में कूद जाता है। केवल यही नहीं, इसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कुत्ते कर सकते हैं। कुत्तों की एक अद्भुत बात यह भी है कि कुत्ता इंसानों के हंसने रोने से संबंधित भाव को भी आसानी से समझ लेता है। नंबर 7 पर आते हैं कौवे। कौवे सुपर इंटेलिजेंट कॉर्पिड पक्षी परिवार का हिस्सा है। वे एकमात्र ऐसे पक्षी हैं जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपकरणों का आविष्कार और उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। वह अपनी यह प्रतिभा आने वाली अन्य पीढ़ियों के साथ साझा भी करते हैं। उन्हें मनुष्य से बचने और हमला करने की तरीके सिखाते हैं। इसके अद्भुत एक बात यह भी है कि कौवे बुनियादी भौतिकी को भी समझते हैं। कौवा किसी भी समस्या को बड़ी जल्दी भाप लेता है। नंबर 8 पर आता है सुअर।
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंपेरेटिव साइकोलॉजी के 2015 के पेपर के अनुसार सुअर मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। कुत्तों की तरह सुअर भी भावनाओं को समझते हैं और अपनी सहानुभूति को प्रदर्शित करते हैं। सुअर पहेलियों को हल करने और भूल भुलैया को पार करने में बहुत तेज होते हैं। नंबर 9 पर आता है ऑक्टोपस। हर बुद्धिमान जानवर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। हम अन्य वर्टेब्रेट्स की बुद्धिमत्ता से परिचित हैं, पर कुछ ऐसे इनवर्टेब्रेट्स भी हैं। हर बुद्धिमान जानवर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। हम अन्य हड्डी वाले जानवर की बुद्धिमत्ता से परिचित हैं, पर कुछ ऐसे बिना हड्डी वाले जानवर भी हैं जो अविश्वसनीय रूप से चतुर हैं। हम बात कर रहे हैं ऑक्टोपस की। ऑक्टोपस जानवरों में बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख उदाहरण है। अमेरिकी वैज्ञानिक के अनुसार 60% न्यूरॉन्स ऑक्टोपस की बाहों में होते हैं, फिर भी उनके पास किसी भी अन्य अकशेरुकीय से सबसे बड़ा मस्तिष्क है। इस ऑक्टोपस की एक अद्भुत बात यह भी है कि ओटो नाम का एक जर्मन एक्वेरियम ऑक्टोपस है जो ग्लास पर पत्थर को फेंकने और तेज रोशनी वाले ओवरहेड लैंप पर पानी डालकर शॉर्ट सर्किट करने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, हमने अभी तक 9 जानवरों के बारे में बताया, बल्कि जानवरों की दुनिया अनगिनत बुद्धिमान जीवों से भरी हुई है। उनके सामने यह सूची बहुत छोटी सी है। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।